मेरे साथ बहुत ही स्पेशल शख्स जुड़ने वाले हैं। आपने इनको टीवी पे देखा होगा, आपने इनके बारे में पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, आए दिन इनकी खबरें छपती रहती हैं कि हाउ इज ही इज हेल्पिंग द सोसाइटी। आयुर्वेद में बहुत बड़ा इनका नाम है और जितना बड़ा नाम है उतना ही बड़ा काम इन्होंने किया है, तभी ये नाम बना है। और मैं बात कर रही हूँ आचार्य गुरु मनीष जी की, और वो हमारे साथ अभी जल्द ही ज्वाइन होने वाले हैं और बहुत बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। जैसे हनी आर्यन ने अभी लिखा है, आयुर्वेदा कैन डू वंडर्स इफ पीपल यूज इट प्रॉपरली। बिल्कुल सही बात, क्योंकि ज्यादातर लोग प्रॉपरली यूज नहीं करते या विश्वास नहीं करते, तो इसीलिए आयुर्वेद उनको मदद नहीं करता। अच्छा गुरु, बोलने से ऐसा लगता है बहुत बड़े होंगे, बट ये बहुत ही यंग और डायनामिक शख्स हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो जी बर्थडे वाला, हेलो मनीष जी। नमस्कार, कैसे आप बताइए, आप कैसे हैं? बस आपको तो और अच्छे हो गए। थैंक यू जी। आपको इस समय बहुत सारे लोग अभी कमेंट कर रहे थे आपके आने पर, हनी ने कहा था मैं देख रहा था आपकी भी काफी फैन फॉलोइंग है, आप लाइव आते जाते हो, लोग इतने लाइन लगा लेते हैं आपके साथ आने के लिए। और मैंने आपका वो वीडियो देखा था जो आपने ब्रह्मा कुमारी के दीदी शिवानी के साथ किया था, वो बहुत बड़ा पॉपुलर हुआ, वो मेरे ही व्हाट्सएप ग्रुप में कम से कम 15 बार आया वो। अरे क्या बात है, सो अमेजिंग। एंड इसपे मैं कहूंगी कि शिवानी दीदी की मैं कहूंगी उनका बड़ा है कि अगर मैं उनके कारण मैं कहीं पहुंची या फिर आप मन से बोलते हैं जो भी बोलते हैं और वो दिल को सीधे जाके दिल तक पहुंचता है। बिल्कुल सही कह रहे हो मनीष, बहुत सारी बात है लेकिन सबसे पहले बात क्या आप नहीं, मैं आयुर्वेद को बिल्कुल नहीं जानता था 1995 से पहले। अच्छा। 1995 में मैं खुद बहुत बीमार हो गया था, 2 साल बीमार रहा। ओके। जुकाम, कभी बुखार, कभी खांसी, कभी फीवर हो जाना, और मुझे तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था हर 3-4 महीने बाद, ऐसी नौबत आ गई थी। और मेरा वजन भी घटकर 39 किलो रह गया था। ओके। और उस टाइम तो मैंने मॉडर्न चिकित्सा पत्ती एलोपैथी उसमें सब दवाइयां खाई, बुखार नहीं उतरता था, और मम्मी बोलती है कुछ खाया पिया नहीं लगता था, मैंने कोई भी बताता था ये सिरप पियो ये शरबत पियो, वो सब भी किया, पीरों फकीरों के भी किया, मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ा, मैं ठीक नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली श्री गंगानगर राजस्थान में मेरे मौसा जी रहते थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास आ जा 2-3 महीने की छुट्टियां लेके। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी तो मैं छुट्टियों उनके पास चला गया 2 महीने के लिए। तो वहां पे मेरा 3 महीने में 12 किलो तो वजन बढ़ गया, और टचवुड उस दिन से लेके आज तक मैं उसके बाद बीमार नहीं पड़ा। बोलता हूँ तो 2-4 दिन बुखार वुखार कई बार चढ़ जाता है, लेकिन वो रेयर, कम से कम पिछले मान लो 24 सालों में मुश्किल से 4 बार टोटल। माई गॉड, 24 सालों में 4 बार बुखार। और मतलब ऐसा आयुर्वेद ने मुझे ठीक किया उस टाइम पे, आयुर्वेद कि मेरा वो पैशन बन गया, और मेरे को उसके बाद मन करा कि मैं भी आयुर्वेद तो ज्वाइन कर लूं। तो ये मुझे बड़ा अजीब लगा था, और मेरे बात उनको भी बड़ा तो एक्चुअल में वायरस और बैक्टीरिया से हम बने हुए हैं। पहले तो हमें वायरस को समझना पड़ेगा। अगर मेरी बॉडी में 60 अरब कोशिकाएं हैं तो सिर्फ 10% मेरी हैं, बाकी सब बैक्टीरिया वायरस हैं। अगर अभी मैं मेरे मुंह की जांच कराऊं या अपने मुंह की आप जांच कराएं, तो कम से कम 15-20 करोड़ बैक्टीरिया और 30-40 करोड़ वायरस मिलेंगे सिर्फ मुंह के अंदर। तो वायरस बैक्टीरिया हमारे दुश्मन हो ही नहीं सकते। ये तो मेडिकल साइंस ने हमें गलत पट्टी पढ़ा दी, जो कि पूरा दुनिया आप ये देखो कितना बड़ा, मैं इसको पैंडेमिक नहीं बोलता, मैं इसको प्लैंडेमिक बोलता हूँ। प्लैंडेमिक, यस। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े लोग पैसा लूटने के लिए, लोगों का पैसा अपने घर भरने के लिए ये एक ऐसा खेल रचते हैं। ये वायरस होता है, इन्फेक्शन फैलता है, लेकिन मारता किसी को नहीं। मरते लोग अपनी गलतियों से हैं, मरते लोग हॉस्पिटल में जाके हैं। मैं आपको कुछ सबूत भी दिखाना चाहूंगा जिससे आपको पता चलेगा। जैसे ये 27 मई 2020 को न्यूज आई थी कि HCQ के साथ
कोई भी दूसरी दवाई खाओगे खतरनाक है, यानी कि हार्ट अटैक पड़ता है और स्ट्रोक पड़ता है। और 27 मई 2020 को लैंसेट के जर्नल में छपी थी। आप बताओ हॉस्पिटलों में आज तक एचसी की और कॉम्बिनेशन की दवाइयां चल रही हैं, तो कितना बड़ा गलत है। ये देखो हाइड्रोक्लोरोक्वीन और एजिथ्रोमाइसिन एक साथ खाना खतरनाक, ये लैंसेट की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है ये। और मई 2020 में ही आ गई थी। ओके। लेकिन ये जर्नल हमसे छुपा के रखे जाते हैं, हमें बताया ही नहीं जाता। और दवाइयां आप बताओ ना, रोहित सरदाना जैसा पत्रकार यंग इंसान कैसे मर सकता है हॉस्पिटल में एकदम, बिल्कुल। क्योंकि जब हम इकट्ठी कॉम्बिनेशन की दवाइयां देते हैं ना, तो बॉडी में डेडली कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, दूध वाली चाय हम पीते हैं, ठीक है, दूध वाली चाय साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है तो जहर जैसा काम करती है बॉडी में, क्योंकि दूध में कैसी, दूध वाली चाय, वाली चाय अच्छी नहीं है हेल्थ के लिए, बिल्कुल जहर है, जहर नहीं पीनी चाहिए, लीवर खराब करती है, किडनी फेल करती है। मैं हर्बल टी पीता हूँ हमेशा। अच्छा, मैं आपको भी एक हर्बल टी का बॉक्स भिजवाता हूँ आज इस सेशन के बाद, आपके घर पे लड़का होम डिलीवरी दे जाएगा। ठीक है, तो दूध वाली चाय, 32 जड़ी बूटियां बनी हुई है, दूध वाली चाय पीनी नहीं चाहिए किसी को भी। फीमेल्स को कैंसर बढ़ाती है, एसिडिक होती है ना वो। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, हमारी बॉडी का जो पीएच वैल्यू है वो 7.5 के आसपास रहना चाहिए। जब भी हमारा पीएच वैल्यू इससे कम जाएगा, तो दूध वाली चाय का पीएच वैल्यू 6 है, और मैंगो शेक का, बनाना शेक का 0.5 है, लेकिन फ्रूट्स का, सैलड का, नारियल पानी का 8 और 9 है। तो हमारी बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट में ही वायरस और कैंसर जैसी चीजें पनपती हैं। ओके। तो और कोई वायरस हमें मारने नहीं आता, वायरस तो अपना घर ढूंढ रहा है। हमने उसको दुश्मन मान के ट्रीट किया तो हम मरते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपने कभी आज तक कोई जानवर पाला है? कोई कुत्ता, बिल्ली, कोई चिड़िया, तोते कभी पाले है? तो आप बताओ कभी साल में एक या दो बार वो खाना छोड़ते हैं? बिल्कुल छोड़ देते हैं, बिल्कुल छोड़ तो देते। आप उनके सामने स्वाद स्वाद चीज भी रखते हो तो नहीं खाते हो? नहीं खाती थी। आप बताओ वो कौन था, कुत्ता था, बिल्ली था, किसने छोड़ा था आपके घर में खाना? कैट थी जिसने बिल्कुल आई थिंक 2-3 दिन कुछ नहीं खाया था। हम लोग घबरा गए थे कुछ हो जाएगा, फिर चौथे दिन खाना शुरू हो गई थी एंड शी वाज ऑल ओके। अच्छा वो कैट कौन से स्कूल में जाती है? अरे कोई स्कूल में नहीं। उसको कैसे पता खाना छोड़ना जब इन्फेक्शन आए तो? तो आई थिंक बॉडी कुछ बताती है अंदर से, बॉडी इशारा करती है। जब वायरस, कोरोना के वायरस के लक्षण क्या है, आपकी स्मेल जाती है, आपका टेस्ट जाता है, तो भगवान कहता है मानव रुक जा 2-3 दिन के लिए, मत खाना, तेरा स्मेल और टेस्ट मैं इसलिए छीन रहा हूं। लेकिन आप बताओ किसी एलोपैथी डॉक्टर ने बताया आज तक ये बात आपको? नहीं, हमें तो बल्कि कहा जाता है कि खाना नॉर्मल खाओ, बल्कि ज्यादा खाओ एक चपाती। आप ये देखो ना, कोरोना का टाइम पीरियड 14 दिन का बताते हैं। हमारे पास 50,000 लोगों का डाटा है जिनका 3 से 6 दिन में नेगेटिव हुआ है, सिर्फ खाना छोड़ने से। सिर्फ खाना छोड़ने से हो गए, बस कोई 1 रुपए की दवाई चाहिए ही नहीं। ये पूरी महामारी पूरे भारत में 5 दिन में खत्म हो सकती है, सिर्फ 5 दिन में। तो क्यों, सिर्फ लोगों को करना क्या, व्रत रखना है, उपवास करना है बस। मतलब आप ये कह रहे हैं अगर किसी को कोविड हो, खुदा ना खास्ता हो जाए, तो अगर आप 3 दिन खाना छोड़ देंगे और आपकी जो डाइट तो आप हमें थोड़ी देर करके तो वो भी बेटर रहेगा, तो क्या कोविड अपने आप ठीक हो सकता? मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ ना, मैं अभी आपके साथ बैठ के आपको प्रूफ दे सकता हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, हमारी चरक संहिता में हजारों साल पहले एक श्लोक लिखा हुआ है। अच्छा। इस श्लोक का मतलब है युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु और युक्त स्वागत है। ये पूरा चरक का श्लोक है, गीता में भी है, हमारी भागवत गीता में ऐसा ही एक श्लोक भागवत गीता में भी है। ये क्या कहता है कि जब भी मौसम बदलता है, जब भी मौसम बदलता है, वायरस और बैक्टीरिया अपनी शक्तियां बढ़ाते हैं। ओके। आपकी शक्ति कमजोर होती है, ऐसे मौसम पे सही खाना खाकर आप अंदर की शक्ति बढ़ाओ। और आयुर्वेद में इसको श्लोक को बोला गया है लंघन परम औषधम, लंघन परम। आयुर्वेद में इसके लिए पूरा श्लोक है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो। ओके। ये पूरा का पूरा हमारे पास इसका प्रूफ है, मैं सर आपको अभी दिखा देता हूं, और सुन लो, ये देखो श्लोक। लंघन परम औषधम, अमाशय से संबंधित कोई भी बीमारी हो व्रत रख लो। अब इसमें क्या खाना है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। 2016 में जैपनीज साइंटिस्ट है योशिओरी योसुमी, उनको इंटरमीडिएट फास्टिंग पे नोबेल प्राइज मिला। वो फास्टिंग कैंसर ठीक कर सकती है,
यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन खाना खाना, ये है वो फास्टिंग का, एक दिन छोड़कर एक दिन उपवास करें, बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो ये आयुर्वेद बहुत साइंटिफिक है लेकिन हमें पता नहीं है। तो मैं आपको छोटा सा आपका 2 मिनट टाइम लूंगा कि कैसे हमारी ब्रेन वॉशिंग की जाती है। कोई कह रहा है इट इज सुपर इंटरेस्टिंग, विधि ठाकुर कह रही है ये पॉसिबल ही कैसे है, आवाज कैसे। बेदी प्रमिला जी कह रही है मोस्ट वैल्यूएबल डाइट चार्ट बना कर दे देते हैं, 5 टाइम मील्स लो हमें खा जाता है अगर कोविड हो। मैडम जो वो पढ़ाई पढ़ के आए ना एलोपैथी डॉक्टर, उनको ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जाती है कि बीपी है जिंदगी भर गोली खिलानी है, शुगर है जिंदगी भर गोली खिलानी है, थायराइड हो गया भगवान का नाम मत लेना लेकिन खाली पेट गोली खाना मत भूलना। तो वो माइंडसेट क्रिएट करते हैं हमारा, और जिंदगी भर गोली खाने के लिए आप सही खाना खाओगे ठीक हो जाओगे, तो उनका धंधा बंद हो जाएगा। जो फार्मा कंपनियां है, माफिया कंपनियां है, वो बंद हो जाएंगी। तो ये सारा बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप कहीं ये भी कह रहे हैं कि एलोपैथी में, आप कह रहे हैं किसी भी चीज का एलोपैथी में इलाज नहीं है, एलोपैथी सिर्फ इमरजेंसी में अच्छी है। ओके ओके, एक्सीडेंट हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, ऑपरेशन करना पड़े, वो इमरजेंसी में अच्छी है, लेकिन मैनेजमेंट में आयुर्वेद अच्छा है। ओके और हमारे साथ धोखा किया जाता है, बताता हूँ कैसे। अखबारों में खबरें छपती है, देखो वुहान में फैला खतरनाक वायरस 10 गुना ज्यादा खतरनाक, चीन में ब्यूबोनिक प्लेग की दस्तक, अब तो पूरा इंडिया को हो जाएगा, फ्लू से 5 गुना खतरनाक कोरोना, ये माइंड वॉशिंग हो रही है, रोज रोज खबरें छपती है। पोलियो जैसा दर्द जाएगा कोरोना देकर, एक और चीनी कैट क्यू भारत में, आईसीएमआर की चेतावनी, अरे चाइना तो मर जाना चाहिए फिर अब तक। ये रोज की खबरें हैं, कोई मई की, कोई जून की, कोई जुलाई की, कोई अगस्त की, हर महीने की एक खबर दिखा रहा हूं मैं आपको। चीन में स्वाइन फ्लू आ गया, अब सब मरेंगे, खतरनाक वायरस कर रहा है, हार्ट फेल, बच्चों की लेगा जान। तो ऐसे रोज हमारे दिमाग को वॉश किया जाता है, सब कॉन्शियस में खबरों को घुसाया जाता है। संजू मूवी देखी थी ना आपने, क्वेश्चन मार्क लगा के खबर छपी थी और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। yes, absolutely. संजय दत्त की। ऐसे देखो कोरोना का बदला रूप ज्यादा खतरनाक, ये सब मैं नहीं लिख रहा, ये जर्नल्स हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, कटिंग्स हैं उनकी। अच्छा अभी डेंगू और मलेरिया आने वाला है, पहले तैयारी कर लो आप। अब ये देखो यूनिसेफ क्या बोल रहा है, यूनिसेफ को कोरोना से बदले हाल, वरना रोज 6,000 बच्चे मरेंगे, सारे मर जाने चाहिए अब तक तो। तो ऐसे ही ना मई 2020 में खबर छपी थी अप्रैल 2020 में कि प्लाज्मा थेरेपी गैर कानूनी है, लेकिन भारत सरकार ने बंद अब किया 4 दिन पहले। और कितने मैसेज आते हैं प्लाज्मा चाहिए, प्लाज्मा चाहिए, प्लाज्मा चाहिए। तो कैसे डर मार्केट में फैलाकर अपनी दुकानदारी करके, जो पिछले कोरोना काल में अगर किसी ने पैसा कमाया तो हॉस्पिटल्स ने कमाया है, और लूटा है लोगों को, 15-15 लाख के 18-18 लाख के बिल बने हैं। तो आप बताओ ना इनके अंदर इंसानियत है कहां, ये चाहते ही नहीं कोई ठीक हो जाए। तो मैं आपको बताता हूँ ठीक कैसे हो सकता है इंसान। वही कह रही थी कि मनीष जी जैसे आपने बताया, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि 3 दिन वो लंघन जो आपने कहा कि हमें फास्टिंग इंटर बड़ी फैट कैन से लेके कटरीना बड़ी फॉलोज है, आप कह रहे हैं कि वो ही कोविड में कर लें जो आपका चार्ट है उसे। 1 रुपए की दवाई, 1 रुपए की दवाई नहीं चाहिए, 1 रुपए की भी दवाई नहीं चाहिए, खर्चा फ्री बिल्कुल। अच्छा आप अपनी भी दवाई कह रहे हैं, आप कह रहे हो मैं मेरे को मेरी दवाई भी नहीं बेचनी, दवाई चाहिए ही नहीं ना। आपकी बिल्ली और कुत्ते ने दवाई थोड़ी खाई थी जब उनको इन्फेक्शन हुआ था तो। राइट। जंगल में लाखों करोड़ों अरबों जानवर रहते हैं, वो किस डॉक्टर के पास जाते हैं? अपने आप खाते हैं, अपने आप खाना छोड़ते हैं, ठीक हो जाते हैं। पीछे आपको याद होगा एक वीडियो वायरल हुई थी शेर की घास खाते हुए की, याद है आपको? एक वीडियो वायरल हुई थी पूरे इंडिया में, शेर ने घास खाई। तो शेर हर हफ्ते घास खाता है, शेर हफ्ते में एक बार घास खाता है, लेकिन लोगों को पता नहीं थी ये बात। ओके, दुनिया का हर जानवर जब बीमार पड़ता है तो घास खाकर अपनी एसिड बना के उल्टी कर देता है, सारा एसिड निकल जाता है, इंसान ठीक हो जाता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखो फास्टिंग कैंसर तक को ठीक कर सकती है। ये लंदन की रिसर्च है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की। अब एक आपके माध्यम से मैं दुनिया को एक बात बोलना चाहूंगा, ध्यान से आप भी सुनो, सब सुने। जब भी कभी बुखार चढ़ता है, बुखार हमारा मित्र होता है, बुखार हमारे भले के लिए आता है। बुखार में कभी पैरासिटामोल, कालपोल, कॉम्बी फ्लेम नहीं खानी चाहिए, 102 तक तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। अच्छा जी, और हम लोग 99 में भी गोली खा देते हैं,
98.6 नॉर्मल है तो 99 को भी गोली खा लेते हैं। जबकि रिसर्च क्या कहती है सुनो कि बुखार में खाना छोड़ना फायदेमंद। और चीज बताना चाहूंगा, आयुर्वेद में 2500 साल पहले एक बात बोली गई है, फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, बुखार और जुकाम ये पांच मित्र हैं हमारे। ये मित्र हैं? हाँ, फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त और बुखार ये पांच मित्र हैं। लेकिन एलोपैथी पांचों को शत्रु मानती है। अब सुनो शरीर का इशारा, शरीर बुखार चढ़ाता है कि आपके अंदर जो पैथोजन आया, कोई बैक्टीरिया या वायरस नया आया, तो शरीर टेम्परेचर बढ़ाकर उसको कंट्रोल कर रही होती है, उसको मार रही होती है, उसको तोड़ रही होती है। लेकिन हम बुखार उतार देते हैं, वो अपने आप को ग्रो कर लेता है। तो बुखार उतारना नहीं होता। हमारे आयुर्वेद में बुखार उतारने की कोई दवाई नहीं है, बनी नहीं। जब शास्त्रों ने नहीं बनाई, इसका मतलब अच्छा था तो ही नहीं बनाई। अब मैं आपको उसका श्लोक दिखाता हूं, देखो क्या लिखा हुआ है। प्रतिश्या देवेत कास कासास संजायते शय। आज भारत में आपने एक बीमारी सुनी होगी, टीबी। टीबी सुनी है ना, क्षय रोग, टीबी बोलते हैं ना, तपेदिक। टीबी कितनी गंदी बीमारी है, जिसको लग जाती है 14 लोगों को इन्फेक्टेड करता है और मरने वाली नौबत हो जाती है बंदे की। मतलब इतनी गंदी दवाइयां हैं। और टीबी होता क्यों है, आयुर्वेद क्या कह रहा है कि सर्दी जुकाम और बुखार को अगर आप दवाइयों से दबा दोगे तो आपको टीबी, टाइफाइड या निमोनिया हो जाएगा। ये हमारा आयुर्वेद का श्लोक है, चरक संहिता में चैप्टर नंबर 8 श्लोक नंबर 19 पेज नंबर 666 पे साफ साफ लिखा हुआ है। अब ये मैंने नहीं लिखा, ये 2500 साल पुराना ग्रंथ है हमारा चरक संहिता, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप बुखार को जबरदस्ती उतारोगे, जुकाम को जबरदस्ती रोकोगे, क्योंकि जुकाम के तहत बॉडी कुछ गंदगी निकालना चाह रही है। अच्छा, आप किसी शादी पार्टी में जाते हो, आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उल्टियां लग जाती हैं, तो भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि शरीर गंदा खाना खुद निकाल रहा है। अगर हमें किसी पोटियां लगे तो हमें भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि बॉडी अपनी गंदगी निकाल रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, गोली खा के रोक लेते हैं। तो वो हम गलती करते हैं, तो शरीर में इसीलिए ट्यूमर, रसौली और कैंसर बढ़ रहा है आजकल। हम शरीर के इशारे नहीं समझ रहे। ये जो आप इशारा बता रहे हैं, लोग बीच में लिख रहे हैं कि ये बात हमें कभी किसी नहीं बताई। मैंने कहा पहले आपने सेशन अटेंड किया। हमारे स्कूल कॉलेज में पहले गुरुकुल में सब पढ़ाई होती थी, जब अंग्रेज भारत में आए सन 1800 में, उसके बाद ही प्रॉब्लम आई है। एक और झूठ बोला जाता है हमसे कि हर 100 साल में महामारी आती है, बोला जाता है ना, राइट, एवरी 100 हमें बोला गया ना भाई 1918 में महामारी आई, उससे पहले 100 साल में महामारी आती है। 1857 से पहले 500 साल तक महामारी का कोई वर्णन नहीं है हमारे इतिहास में भारत में। सन 1300 से लेकर सन 1857 तक भारत में कोई महामारी नहीं आई, आयुर्वेद काम करता था। लेकिन हुआ क्या, अच्छा, अंग्रेजों का राज था, उन्होंने प्लानिंग के तहत हमारे दिमाग में घुसाया। 1896 में अंग्रेजों ने खेल खेलना शुरू करा, भारत में एक एपिडेमिक एक्ट बनाया, पहले जो अभी पेंडेमिक एक्ट है ना, ये भारत सरकार ने नहीं बनाया, ये अंग्रेजों ने बनाया था 1896 में। उस टाइम भारत में प्लेग फैला हुआ था, सूरत में सबसे ज्यादा फैला था उस टाइम पे। तो आयुर्वेद के वैद्य 3 से 4 दिन में प्लेग ठीक कर लेते थे। तो इनके एमबीबीएस डॉक्टरों की चल नहीं रही थी, लोग इनके पास जाते ही नहीं थे। तो इन्होंने अपने आप को भारत पे कब्जा करना था, राज करना था, पैसा लूटना था। तो इन्होंने 1896 में पेंडेमिक एक्ट में, एपिडेमिक एक्ट में क्या लिखा कि आयुर्वेद पिछड़ी पत्ती है, अच्छा, ये झोला छाप है, ये डिग्री होल्डर नहीं है, इनसे दवाइयां मत लो। और कानून बनाकर इनको जेलों में डालना शुरू कर दिया, कानून बना दिया ना। 1896 में ये घटना हुई, राइट। तो जो भारत के पढ़े लिखे लोग थे वो भी कंप्लेंट करते थे अंग्रेजों को कि फलाना वैद्य इलाज कर रहा है। उनको लगता था सफेद गोलियां और इनकी टेबल में पड़ी चाय, ये लोग पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश बोलने वाले पढ़े लिखे हैं, संस्कृत और हिंदी बोलने वाले पिछड़े हैं, ऐसा उस टाइम परसेप्शन क्रिएट किया गया। और रही सही कसर, 1940 में एक मैजिक रेमेडी एक्ट लेके आए अंग्रेज, अच्छा, 1940 में एक मैजिक रेमेडी एक्ट लेके आए, जिसमें कोई भी वैद्य अगर ये दावा करता था कि मेरे पास ये इलाज है तो 7 साल की जेल होती थी उसको।
माय गॉड। और दूसरी बार अगर वो कर देता था तो उसको फांसी में चढ़ा देते थे। अच्छा, आज भी भारत में वो दोनों कानून लागू हैं। आज भी आयुर्वेद वाले कह नहीं सकते कि ये इलाज हो सकता है, आयुर्वेद वालों के ऊपर कानून लागू है ये। अच्छा, आप देखो जब कोरोना को, हाँ अभी भी लागू है जो पेंडेमिक एक्ट चल रहा है ना इस टाइम, ये 1896 का बना हुआ है। मैं बोलता हूं अपने टीवी चैनल्स पे कि भारत आज भी अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का गुलाम है, अंग्रेजी मानसिकता का गुलाम है। और वो है, अगर आप और मैं, आप और मैं अगर अभी इंग्लिश में लेक्चर करना शुरू कर देना तो लोग वाओ वाओ करेंगे, लेकिन हम हिंदी बोल रहे हैं, मैं संस्कृत श्लोक बताऊंगा तो इनको लगेगा ये पिछड़ी बातें कर रहे हैं। मानेंगे अभी भी लोग वाओ वाओ कर रहे हैं और वाह वाह भी कर रहे हैं। तो आपके ये जादू है बातचीत करने दोस्त ठाकुर, और वो हैरान परेशान ही हुई आज उसने क्या किया चंपा बार बार। तो और वो कह रही है तो अमेजिंग, आज तक लोगों को लग रहा है सिस्टम नेवर टोल्ड अस दिस, सो इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन राइट। आपका कॉन्टेक्ट नंबर भी लोगों ने मांगा और काफी लोग आपसे आपने कहा माशाल्लाह और संस्कृत माशाल्लाह। और मैं आपको एक बात, एक आपको अभी लोग आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, इनको फ्री में शुगर का इलाज बता दूं, फ्री में इलाज बता दूं शुगर का, बिल्कुल शुगर रिवर्स हो जाती है। बताएं शुगर का, शुगर जड़ से रिवर्स हो जाती है, शुगर ठीक हो जाती है और कैसे? लेकिन उसको हमें रिवर्स बोलना पड़ता है वरना 1954-1940 का मैजिक रेमेडी एक्ट लग जाता है। ओ अच्छा, तो हमें क्या शब्द बोलना पड़ता है, शुगर रिवर्स हो सकती है, हम ठीक हो ही नहीं बोल सकते। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, गो वेजिटेरियन टू गेट योर ब्लड शुगर कंट्रोल, मतलब शाकाहारी बन जाओ अच्छा। तो आपकी शुगर ठीक हो जाती है, यानी कि रिवर्स हो जाती है। okay. और सुन लीजिए, दिन ढलने से पहले खाना खा लीजिए, शुगर रिवर्स हो जाती है। राइट, यानी साढ़े मतलब सुबह डूबने के बाद खाना बंद कर दीजिए, हाँ 6 बजे 7 बजे बाद खाना मत खाइए। और तीसरा नियम क्या है कि जिसको भी शुगर है, चाहे इंसुलिन डिपेंडेंट, चाहे टाइप 1, चाहे टाइप 2, दूध की बनी चीजें आपको कुछ दिन के लिए छोड़नी पड़ेंगी तो शुगर हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। oh. मतलब शरीर अपने आप स्वस्थ कर लेगा उसको। और लास्ट काम क्या करना है कि आपको जो भी खाना है, रोटी चावल खिचड़ी दलिया परोठे पूड़ी पकोड़े भटूरे, जो भी खाना है पहले बड़ी प्लेट सलाद की या फ्रूट की खाना है। ठीक है, ठीक है, मतलब पहले सलाद या पहले फ्रूट खाना है, आपका शुगर कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। okay. तो ये फ्री में ठीक हो जाती है। ओके, तो बहुत बड़ी आईडी। अब ये लोगों के ऊपर है, लोग कितना मानेंगे इस बात को मेरी। मानेंगे, अगर सबसे बड़ी बात, मैं आज एक किताब पढ़ रही थी बाउंस, तो उसमें आप मान लो सब कुछ हो सकता है, अगर आप नहीं मानो तो कुछ, बिल्कुल ठीक, आपको कहता रह जाएगा तो सच में होता है, सच में कोविड का दौर है, कोविड ना हो, जिन लोगों को कोविड अभी होता है, बट अब वो लोग हो उसके प्रिकॉशनल मेजर्स को कम करें, अपने डेली रूटीन में कोविड हो ही ना। देखिए मैं पहले आपको बताना चाहूंगा, जब भी कोई वायरस का संक्रमण काल चल रहा होता है उसको आयुर्वेद में जनपद ध्वंस कहा गया है, ये श्लोक है, ये सुश्रुत संहिता में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब जब मौसम बदलेगा, आप लोग गलत सलत खाना खाओगे और समाज में धर्म की हानि हो रही होगी, उस टाइम पे महामारी फैलती है। लेकिन आपको बचने का तरीका भी बताया है, इन्होंने बोला है कि जानवरों का मांस खा के खाना बंद कर दीजिए, जैसे लोग नॉन वेजिटेरियन है ना, तो इस टाइम पे छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो वो भी तो भगवान के बनाए जीव है ना, हम भी जैसे इंसान है, हम में आत्मा है, हम जीते हैं तो बिल्ली कुत्ता बंदर चाइनीज तो सब कुछ खा जाते हैं, आपको पता है, ये सांप भी भून भून के खाते हैं, तो कन खजूरे केकड़े वेकड़े वो कुछ भी नहीं छोड़ते। हमने तो जो तो इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, हमारे संस्कृत में साफ साफ लिखा हुआ श्लोक में कि जब भी महामारी चल रही हो तो एक तो छींकना ऐसे होता है, कोहनी पर छींकना चाहिए, अपने हाथों पर छींकते हैं तो हर जगह हाथ लगाते हैं, ये कोहनी पर छींकना भी शास्त्रों में लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है,
और लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए, जो अभी 6 फीट की गैप रखते हैं हम लोग आपस में। और दूसरा दूसरा आप इन्होंने बताया लंघन, लंघन मतलब उपवास, पास राइट कि जैसे ही पहला लक्षण आए, जैसे ही पहला सिम्टम आए, बुखार, स्वाद जाना, टेस्ट जाना, जुकाम आना, तो मान लो कोरोना हो गया, तो 3 दिन के लिए लंघन चिकित्सा करनी है, उपवास चिकित्सा करनी है। इसमें खाना क्या है वो बता देता हूं, ओके आपको सिर्फ हरी सब्जियों का जूस पीना है पूरा दिन, ओके हरी सब्जियों का ही सूप पीना है पूरा दिन, ओके कोई भी फ्रूट हो उसका जूस पीना है, ठीक नारियल पानी पीना है, पहले दिन सिर्फ ये लेना है, ओके 3-3 4-4 ग्लास हर चीज का, और कुछ नहीं लेना पूरा दिन में, दूध की बनी चाय और दूध की चीजें नहीं लेनी, और ठंडा पानी बिल्कुल नहीं लेना। ओके दूसरे दिन इसको जितना पहले दिन लिया उसका आधा कर दें, और 3 टाइम आधा चम्मच हल्दी गरम पानी से लेनी है, 3 टाइम आधा चम्मच हल्दी गरम पानी से लेनी है, और सेकंड डे एक बड़ी प्लेट खीरा टमाटर की ले लें, ओके और थर्ड डे जितना पहले दिन लिया दूसरे लिया उसका हाफ कर दे तीसरे दिन, और ओके जो मर्जी फ्रूट जो मर्जी सलाद खाएं, 99% लोग 3 दिन में ठीक हो जाएंगे, क्या बात है, नाइनटी जैसे नाइन परसेंट लोग जा गया हनी आर्यन का आई एम टर्निंग वेजिटेरियन राइट नाउ। वेरी गुड। तो 3 दिन में, इसी में 3 दिन से लोग ठीक हो जाएंगे, 1% लोगों को 3 दिन में थोड़ा बहुत इफेक्ट रह जाएगा, तो उनको यही रिपीट कर देना है। और साथ में कुछ जो सरकार ने आयुष का काढ़ा बताया है, दालचीनी, अदरक, तुलसी और काली मिर्च, इन चारों को उबाल के इसी का काढ़ा पी लो, इसी की भाप ले लो, इसी की स्टीम ले लो, तो आपको कोई इंफेक्शन कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है, और जूस भी पीना है तो फ्रेश जूस पीना है, चाहे गन्ने का पियो, चाहे जो भी सीजन का फ्रूट हो, जो भी सीजन का जूस हो वो पीना है आपने। तो 3 दिन में ही 99% लोग वायरस को हरा देते हैं, बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है। अच्छा ओके आई गॉट। और एक आपको मैं रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा, एक चीज मैं बोल रहा हूँ, एक अभी आजकल एक बड़ा लोगों के मन में मिथ चल रहा है कि मेरे शरीर में एंटीबॉडी खत्म हो गई या मेरे शरीर में एंटीबॉडी बन नहीं रही, हाँ, बन नहीं रही या खत्म हो गई, दोनों तो ही रहता है कि तो ये वो खबर है कि 40% मरीजों में 6 महीने के बाद एंटीबॉडी नहीं बचते। नहीं बचती। नहीं, बताता हूं ना, खबर तो ये है कि 40% शरीर में 4 से 6 महीने में एंटीबॉडी नहीं बचते, लेकिन असलियत क्या है सुन लो, एंटीबॉडी हमारे मेमोरी सेल में फीड हो जाते हैं, वो ओके ब्लड में घूमना बंद कर देते हैं, अच्छा तो शरीर में एंटीबॉडी की कमी से इम्यूनिटी नहीं घटती, ये रिपोर्ट असली रिपोर्ट है। तो शरीर में एंटीबॉडी से मतलब आप सोच रहे, ये तो फिर पूरी रिपोर्ट ही गलत हो गई। तो यही तो हमारा ब्रेन सेट किया जाता है, ताकि आप वैक्सीन लगवाओ, ताकि आप गोलियां खाओ, ताकि आप हॉस्पिटल आओ, ताकि आपका बिल बने बढ़िया बढ़िया सा। ओह माय गॉड। और अभी तो अच्छा आप एक बात बताओ, जब आप ब्यूटी पार्लर में जाते हो, आप जाते हो 2,000 का काम करवाने, बिल वो 10,000 का बना लेते हैं आपको, कैसे, आपको ब्रेन वॉश करके, आपको इम्प्रेस करके, तो हाँ, ऐसे ही हॉस्पिटल में जाते हो। तेरे बाल ना नीचे से वो डैमेज हो रहे हैं, थोड़ा सा ये करवा ले ना, थोड़ा वो स्पा करा ले। अरे नहीं, तू ना बहुत ग्लो मारती, और ग्लो मार करा तो समझ गए ना आप कि जिसके पास चले जाओ वो बिल बनाना शुरू कर देते हैं हमारा। ले। हाँ जी बिल्कुल सही आपने कहा मनी। तो अगर आप हॉस्पिटल में गए हो तो वो ब्यूटी पार्लर से कम थोड़ी है, आपका गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं, आपकी यूट्रस निकाल देते हैं, आपके घुटने चेंज कर देते हैं, आपकी किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं, आपका आधा लीवर चेंज कर देते हैं, आपका फेफड़ा ट्रांसप्लांट कर देते हैं, आपको रेटिना हो गया, आंखें बदल देते हैं, नाक की प्लास्टिक सर्जरी कर देते हैं, वो कुछ भी कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है इंसान मरता नहीं है जल्दी से, इंसान एक ऐसा प्राणी है, दोनों हाथ काट दो, दोनों पैर काट दो, दोनों कान काट दो, दोनों आंखें निकाल दो, जीभ काट दो, आधा लीवर निकाल दो, एक फेफड़ा निकाल दो, इंसान मरता नहीं है, ये बात उनको मालूम है सर्जन्स को, इसीलिए बिल बनते हैं बिल। बड़ा कड़वी और सच बात आपने कहीं ना कहीं कह दी है। और ये भी आपने कहा, देखो वैक्सीन का भी हम बोले, हम तो डेफिनेटली वैक्सीन लगवाने। नहीं, वैक्सीन लगवाना बुरा नहीं है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए वैक्सीन है क्या, आपको पता तो होना चाहिए वैक्सीन क्या है, वैक्सीन भी तो वही वायरस दे रही है जो एक्चुअल में आना था, वैक्सीन एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी देती है सिर्फ एक वायरस की, लेकिन आपको असली वाला वायरस आएगा तो वो पूरी फैमिली की इम्यूनिटी देगा, तो आप बताओ कौन सी इम्यूनिटी अच्छी है, नेचुरल या वैक्सीन वाली। नेचुरल
अब नेचुरल को लड़ने का तरीका तुम नहीं सिखा रहे हो क्योंकि स्कूल कॉलेज में लंघन नहीं सिखा रहे हो, तो ये आपकी गलती है ना। तो मेरी तो रोज लड़ाई चलती है, मैं तो रोज प्रधानमंत्री को इसको इसको चिट्ठियां लिखता रहता हूँ, अच्छा तभी तो कोई सुनवाई होगी। करीबन 16-17 चिट्ठियां लिख चुका। हाँ, मैंने टोटल 17 चिट्ठियां लिख चुका हूँ प्रधानमंत्री जी को, देश की हर स्टेट गवर्नमेंट को, और सबको मैं उनको लंघन का चार्ट भेज चुका हूँ। उनको उनको लगता है ना दवाई से ठीक होना है, तो हम दवाई भी दे सकते हैं, हमारे पास आयुर्वेद की दवाइयां भी होती हैं, हल्दी, गिलोय, सौंफ, चीनी, तुलसी, ये सबकी दवाइयां भी तो बनती हैं आयुर्वेद में, हम वो भी देके ठीक कर सकते हैं। जी, आपने थोड़ी देर पहले बोला देश में चलता है धोखा, देखो आपको दिखाता हूं। 29 मई को ना एक रिपोर्ट आई थी कि फ्रांस, इटली और बेल्जियम ने HCQ मई 2020 में ही बंद कर दी थी अपने देश में देना, लेकिन भारत में आज भी दी जा रही है जी। क्योंकि लैंसेट क्या कहता है कि अगर 11 लोग HCQ खाएंगे तो एक मरेगा, अगर HCQ के साथ एजिथ्रोमाइसिन दोगे तो हर 6 में से एक मरेगा, और HCQ एजिथ्रोमाइसिन के साथ कोई और दवाई दोगे तो 4 में से एक मरेगा। अब हॉस्पिटलों में मौतें इसलिए हो रही है क्योंकि कॉम्बिनेशन की दवाइयां हमारी बॉडी में रिएक्शन क्रिएट करती हैं, लेकिन वो कभी नहीं बोलेंगे हमारी गलती है, वो तो आपकी गलती बताएंगे जी। मनीष जी, और लोग कोरोना से नहीं मर रहे, मैं फिर बताता हूँ, लोग कोरोना से नहीं मर रहे, ये चंडीगढ़ की न्यूज दिखाता हूँ। ट्राई सिटी में 14 मौतें हुई, सबको पहले से कई बीमारियां थी, तो फिर कोरोना की मौत क्यों लिख रहे हो तुम? किसी को बीपी था, किसी को शुगर थी, किसी को जोड़ों का दर्द था, किसी को लीवर खराब था, किसी की किडनी फेल थी, लेकिन लिखेंगे क्या मौत किससे हुई? कोरोना से। तो ये मैडम खेल है, ये माफिया कंपनियों का खेल है, जो हमारी बड़ी बड़ी साइंटिस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको बड़े बड़े टूर पैकेज मिलते हैं, लंदन घूम के आना, बाद में पेरिस घूम के आना। आप बस हमारा एक काम कर दो, अगर आप इतना अच्छी बिल ना दो और इतना टारगेट पूरा हो जाए तो आपकी खेल के बिल्कुल ठीक। अभी आपने सुना होगा कल से एक न्यूज वायरल हो रही है कि वैक्सीन की वजह से वायरस ज्यादा म्यूटेट हो रहा है, जो कल से एक वीडियो वायरल हो रही है TV9 भारतवर्ष की जी, तो ये सच है क्योंकि तो वैक्सीन में भी तो वायरस ही है ना। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, किसी को कुत्ता काट ले तो क्या करना चाहिए? कुत्ता काट कोई इंजेक्शन लगवा दे क्यों? वो वैक्सीन में क्या है? वही है जो आई थिंक एंटीडोट होगा। तो एंटीडोट धरती पे किसी वैक्सीन में नहीं होता मैडम, एंटीडोट हमारी बॉडी खुद बनाती है। कुत्ते के काटने पे जो वायरस मिला वही उस वैक्सीन के अंदर भी है, तो कुत्ते ने काट तो लिया, आप और लेने चले गए उससे, क्यों जा और देने वायरस मुझे? लेकिन किसी ने बताया आपको आज तक कि जो कुत्ते से वायरस मिला वही वैक्सीन के अंदर भी है? ओ गॉड। अच्छा किसी को कील लग जाए, चोट लग जाए तो क्या करता है व्यक्ति? वो इंजेक्शन लगवाता है। कौन सा वाला है? टिटनस का इंजेक्शन लगवाता है। तो टिटनस के इंजेक्शन में क्या है? वही किडनी बैक्टीरिया ही तो है जो मेरे को ऑलरेडी कील से लग चुका है, अभी और दे रहे। अब आप जा रहे हो और दे दे मुझे वायरस, और बैक्टीरिया दे दे मुझे, व्हाट इज दिस? ये साइंस है क्या? लेकिन हजारों लाखों लोग ऐसे बेवकूफ बन रहे हैं सदियों से, सालों से, क्योंकि वैक्सीन कंपनियां माफिया कंपनियां हैं, फार्मा कंपनियों का बिजनेस बहुत बड़ा है, वो सब कुछ खरीद लेती हैं, मीडिया भी, अखबारें भी। माय गॉड, मैं तो मुझे लग रहा है कि एक सेशन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप मानोगे नहीं यहाँ पे लोग भी अचंभित हो रहे हैं, और शुद्ध हिंदी बोलूंगी, शुद्ध हिंदी में भी लोग कितना पसंद कर रहे हैं, लोग सरप्राइज हो रहे हैं, बोल चुके हैं। अब आपको 2-3 चीजें, अच्छा सरकार कहती है कि हमें लोगों की जान बचानी है, यही बोलती है ना सरकार कि हमें लोगों की जान बचानी है, तो आप ध्यान से देखना इस खबर को कि धूम्रपान करने वाले को कोरोना 14 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। तो फिर सरकार ने सिगरेट बीड़ी तो बैन नहीं करी? ऑफ कोर्स। अच्छा सुन लो, और धूम्रपान के बाद अगर कोरोना होगा तो हार्ट अटैक पक्का पड़ेगा, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, और ये टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, लिखा हुआ देखो, टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस सेंटर का दावा कि धूम्रपान से अगर कोरोना हुआ तो आपको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। तो सरकार ने सिगरेट बीड़ी शराब तो बंद नहीं करी, जबकि बंद करना चाहिए था उनको। और सुन लो, जो भी नॉनवेज खाता है उस पर एंटीबायोटिक काम नहीं करते, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। तो हॉस्पिटल में तो एजिथ्रोमाइसिन और पता नहीं कौन कौन से एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं,
जी जब नॉन वेज बिल्कुल वाले पे काम ही नहीं करता वो, तो खिला क्यों रहे हो? तो मैडम ये इस देश में घोलमाल चलता है, सब देशों में चलता है ये। जबकि कोरोना का इलाज पता क्या है, अगर आप मेरे से, आपका एक सवाल होना चाहिए, चलो मैं ही पूछ लेता हूं आपसे, सवाल क्या होना चाहिए पब्लिक की तरफ से हाँ कि अगर कोरोना है तो एकदम तबीयत बिगड़ क्यों जाती है, एकदम ऑक्सीजन नीचे क्यों आ जाती है हमारी, ऑक्सीजन एकदम आपकी 85, 80, 78 क्यों चली जाती है? तो ये सवाल मेरे हिसाब से लोगों के लिए बेस्ट आंसर मैं दे सकता हूं इसका, होता क्या है, पहले कोरोना को दो फेज में बांट लो, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। पहला फेज 6 से 7 दिन, अगला फेज 6 से 7 दिन। पहले 6 7 दिन में आपको बुखार चढ़ेगा, स्मेल जाएगी, टेस्ट जाएगा, जुकाम आएगा। अगर आपने पहले 6 7 दिन में दूध की बनी चीजें खाई, अच्छा दही खाई, ठंडा पानी पिया, तो आपका वायरस, और आपने बुखार उतारने की दवाई खाई, तो बॉडी में वायरस रह गया, वायरल लोड बढ़ गया, ओके ओके लेकिन अच्छा बुखार चला गया क्योंकि दवाई से उतार दिया। ठीक है तो 6ठे 7वें दिन का जब फेज 2 आएगा, तो इमीडिएटली आपकी बॉडी को हजम करने में जो भी आप खाओगे उस टाइम पे, उससे कफ बन जाएगा और वो लंग्स में पानी भर जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। और लंग्स के निचले हिस्से में एल्वोलाई में पानी भरता है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज होना होता है, जिसको गैसियस एक्सचेंज बोलते हैं हम। तो वहां पे तो कफ भर गया, और कफ आया कहां से, आपने दही खाई या दूध की बनी चीजें खाई या रोटी चावल खाया, तो वो कफ बन जाता है उससे। उस टाइम पे आपको गर्म खाना, लेकिन बिना पका हुआ खाना चाहिए, तो उस टाइम पे वो कफ नहीं बनेगा। क्योंकि आयुर्वेद क्या कहता है, जो भी हम खाते हैं उससे रस बनता है, फिर रक्त, फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, और 8वीं धातु होती है इम्यूनिटी। जो लोग बोलते हैं इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी, आपके खाने से 8वीं धातु इम्यूनिटी है। अच्छा तो अगर आप पका खाना खाओगे तो 8वीं धातु नेचुरल खाना खाओगे तो माय गॉड, तो आप क्या मनी ये भी तभी आजकल अगर हम केसेस देख ले, मेरे घर में भी हुआ, पापा मम्मी को हुआ, सबको हुआ, 7वें 8वें दिन सबकी खराब, सबको ऑक्सीजन ऊपर चले जा रहे, और जी पापा मम्मी ने नहीं, सभी ने प्रोटोकॉल दवाई खाई, सारे दे देते। अब मेरी मम्मा वो शुगर के हिसाब से, पापा को स्टेरॉइड, तो कहीं ना कहीं शुगर बढ़ गया, शुगर कभी इंसुलिन कंट्रोल कर साइकिल, एंड आई मेनी मेनी पीपल। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी एक और खेल चल रहा है ब्लैक फंगस का भी, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक, फंगस, व्हाइट फंगस। बहुत लोग सवाल पूछे हैं जी, ब्लैक फंगस की लोग डरे पड़े हैं, अरे अभी एक छोटा था, अब ये ब्लैक तो आपको बताना चाहूंगा, ब्लैक फंगस कुछ भी नहीं है। जैसे आपके घर में जहां पे सीलन होती है, जहां पे नमी होती है, धूप नहीं चलती, तो वहां पे ब्लैक या व्हाइट फंगस घर में भी हो जाती है ना, फफूंद लग जाती है जिसको बोलते हैं हम, कई बार साइड में व्हाइट सी ब्लैक सी जाले से बन जाते हैं। आप अपने घर में ना पपीता छोड़ दो खोल के, 4 5 दिन बाद पपीते के भी काला काला हो जाएगा, वो ब्लैक फंगस है। आप कुछ भी खाना, पका हुआ खाना भी पका हुआ छोड़ दोगे ना, तो 2 4 दिन बाद उसमें स्मेल आएगी और ऊपर फफूंद लग जाएगी, तो वो सब ब्लैक फंगस व्हाइट फंगस है। तो ब्लैक फंगस व्हाइट फंगस हमारे वातावरण में घूम रही होती है, लेकिन एलोपैथी में जब एंटीबायोटिक स्ट्रॉन्ग दिए जाते हैं और स्टेराइड दिए जाते हैं, तो हमारे शरीर का जो नेचुरल होम्योस्टेसिस है, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, वो बिगड़ता है, और मेरी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो आंखों में या दांतों में सूख रस जो लिक्विड है वो कम हो जाता है स्टेराइड के साइड इफेक्ट से, क्योंकि शुगर हाई चली जाती है, डायबिटीज के पेशेंट की 500 चली जाती है ना, तो बॉडी की इम्यूनिटी और हीलिंग कम हो जाती है। तो फिर जो शरीर का कमजोर पार्ट होता है वहां फंगस आ जाती है। तो मैं फ्री में इलाज बता देता हूं आपको कि जब भी किसी को कोरोना ठीक हुआ है, हल्दी और काला नमक या समुद्री नमक, लेकर सेंधा नमक ले सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा, हल्दी, समुद्री नमक और साथ में गिलोय पीस के उसका पाउडर, इसके कुल्ला करो दिन में 3 4, या फिटकरी ले लो, फिटकरी ले लो, ज्यादा बेटर है। फिटकरी, हल्दी और सेंधा नमक जिसको पाकिस्तानी नमक बोलते हैं, इन तीनों के गरारे करो दिन में 3 4 बार,
कुल्ला करो तो मसूड़ों के ऊपर से फंगस अपने आप चली जाएगी। तो मतलब सिर्फ फिट इसके करिए, अगर आप कह रहे हैं आप ये करेंगे तो फ्लैग फंगस चली जाएगी। हाँ मुंह की ऐसे जाएगी, नाक की कैसे जाएगी? अदरक और नीम की भाप ले लोगे तो नाक की चली जाएगी, ठीक है। अदरक और नीम की भाप ले लोगे तो नाक की फंगस चली जाएगी। और आंखों में अपना रात को ब्रश करके सो, रात को ब्रश करके सो, सुबह अपनी थूक डाल लो आंखों में, उससे आंखों की फंगस चली जाएगी। फ्री का इलाज है, बताओ ये। ओ माय गॉड, 1 रुपया खर्चा नहीं है इसके अंदर, और सरकार ने इसको महामारी घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास जो लॉबी है वो एलोपैथी लॉबी है, वहां आयुर्वेदा कोई है ही नहीं, वहां पे ना कोई उसकी सुनता है ना उसको कोई बताता है उनको कोई। जी, और सरकार को इतना वो प्रेशराइज करके डरा देते हैं ना। तो मैं आपको एक बात और बताऊंगा, पूरी दुनिया में जो 500 सबसे बड़ी कंपनियां हैं उसमें जो पहली 10 कंपनियां हैं उन 10 कंपनियों का टर्नओवर बाकी 490 से ज्यादा है, पहली और दस 10 कंपनियां फार्मा कंपनियां हैं। तो ओके कितना बड़ा अरबों रुपए का कारोबार है ये। जी, बट इस कारोबार के चक्कर में मैं कहूंगी लोगों की हेल्थ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ और एक बहुत बड़ा सवाल, खासतौर पे आप, बहुत लोगों ने आई ओपनिंग, बहुत लोगों ने आपका वीडियो आपके बारे में टीवी पे देख, आपसे टाइम अब आप देख, बात की बात होती है जब वो कहते कि किस तरह से बहुत सवाल, हमारे पास बहुत ज्यादा समय, सवाल में जरूर लेता। इससे पहले मनीष जी मैं चाहूंगी अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत, मैं आपको मेरी संस्था का एक ऑनलाइन नंबर देता हूँ, दीपक का नंबर डाल दो, मैं नीचे कमेंट्स में ना मेरा नंबर डलवा देता हूँ, कमेंट्स में ना ऊपर दीपक जी का नंबर डाल दो। और एक काम करता हूँ, मैं आपको एक फ्री डाइट चार्ट भिजवाता हूँ, आप अपने फेसबुक पे डाल दो ताकि सारे दर्शकों को मिल जाए। राइट सर, मैं आपको एक डाइट चार्ट, जो 3 डेज का डाइट चार्ट है ना वो मैं अभी ये प्रोग्राम खत्म होती है आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप सारे अपने लिसनर्स को डाल देना, और मैं उसमें अपने चंडीगढ़ और दिल्ली के हॉस्पिटल का नंबर भी डाल दूंगा और क्लिनिक्स का नंबर भी डाल दूंगा। और मैं क्योंकि पूरे इंडिया में 160 क्लिनिक्स हैं और 2 हॉस्पिटल हैं, 2 हॉस्पिटल और 1 हॉस्पिटल तो ऐसा जिसकी फोटोज आज मुझे लगा कोई लग्जरी रिजॉर्ट है, मतलब जगह से तो वैसे कोई जाना नहीं चाहता। और मैं ये बताना चाहूंगी सर, आप मुझे बता रहे थे जिन लोगों की सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल मना कर इलाज हमारी तरफ से किसी की मदद हो। मेरे यहाँ अभी भी, मैं आपको एक केस बताना चाहूंगा, आप लोगों को पता होगा शायद, चंडीगढ़ में 17 सेक्टर की मार्केट में जो 17 सेक्टर का बस स्टैंड है ना उसके बिल्कुल सामने एक बड़ी सी दुकान है, रोशन पान कंपनी। 4 दिन पहले उनके घर पे मेरे को बुलाया गया, 5 दिन पहले उनकी मम्मी 4 दिन से अनकॉन्शियस थी, कोमा में चली गई थी, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, हॉस्पिटल से वापस ले आए थे उनको घर पे वो। अच्छा। और डॉक्टरों ने बोला इनको ले जाओ और ये 2-4 दिन जिएंगे, ये खत्म है, और 75 ईयर्स की ब्रेन डेड, मतलब इनको कोमा में चले गए और ब्रेन डेड हो जाएगा, तो आप ले जाओ इनको। तो वो मेरे बाई चांस दूर के कोई रिलेटिव लगते हैं, तो मुझे उन्होंने फोन किया कि आपको इमरजेंसी आना पड़ेगा। मैं कभी किसी के घर नहीं जाता, लेकिन मुझे लगा कि इस पेशेंट में मुझे आयुर्वेदा चमत्कार दिखाने का मौका मिलेगा। मैं चला गया अपनी टीम को लेके, और हमने जाते ही उनका ट्रीटमेंट शुरू किया, उनके मुंह में, उनका मुंह भी खुला हुआ था ऐसे। अच्छा। मैंने मुंह में दवाइयां डाली और शाम तक वो थोड़ा थोड़ा हिलने लग गए, और आज 4 दिन बाद मैंने आज भी और कल भी उनका रिकॉर्डिंग करी है, उन्होंने बकायदा मुझसे फोन पे बबात करी है। आज सुबह मुझे फोन आया 9 बजे उनका, थैंक यू, उनकी लेडी ने खुद बात करी है, सिर्फ 4 दिन में वो लेडी कोमा से बाहर आई है। तो थैंक यू, तो ये आयुर्वेद का है, मेरे साथ 200 डॉक्टर काम करते हैं, थैंक यू, हमारे साथ 200 डॉक्टर काम करते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर भी काम करते हैं, आयुर्वेद वाले भी काम करते हैं, होम्योपैथी वाले भी काम करते हैं, हम तीनों पैथियों में जो बेस्ट है वो यूज करते हैं। मतलब मेरी कोई एमबीबीएस से लड़ाई नहीं है, लेकिन एक लड़ाई है उनके साथ कि वो अपनी डिग्री गलत लिखते हैं, उनकी डिग्री एक्चुअल बीएमबीएस है लेकिन लिखते हैं एमबीबीएस है। अच्छा, ओके।
उनकी डिग्री के ऊपर छपा होता है BMBS, आयुर्वेद वालों के छपा होता है BAMS, होम्योपैथी वाला होता है BHMS, लेकिन एलोपैथी वाले चीटिंग करते हैं, वो BMBS है लेकिन लिखते हैं MBBS है, कहते हैं लैटिन नेम है, ताकि आम आदमी को लगता है कि ये ज्यादा बड़ा डॉक्टर है, जबकि डिग्री बैचलर डिग्री है लेकिन उनको लगता है मास्टर डिग्री है, जी तो धोखा करते हैं वो। लेकिन मेरे बहुत मित्र भी MBBS डॉक्टर्स हैं, तो मैं उनसे लड़ाई लड़ता रहता हूँ, कहता है आप केस करो, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में अभी PI डाली है, ओहो अच्छा ओहो आपके मैंने PI डाली है, इनकी डिग्री सही लिखाओ। लिए बहुत आ रहे हैं, नीचे कार्ड्स भेज रहे हैं, लेकिन बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो कितनी मैं आपको दो तीन बातें बताना चाहूंगा जो लोगों के लिए बहुत जरूरी है, कि अमेरिका कहता है कोरोना वायरस की वजह से 30% लोग डिप्रेशन और चिंता के शिकार हो चुके हैं, और यही एक कारण है मौत का, क्योंकि तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन ही जिम्मेदार है, जिसको कार्टिसोल बोलते हैं। लोगों को मैं बताता हूं, कार्टिसोल एक हार्मोन होता है जो हमारा स्ट्रेस बढ़ाता है, एड्रेनलिन और कार्टिसोल स्ट्रेस बढ़ाते हैं, और आपको ऐसे टाइम पे डोज बढ़ाना होता है, DOSE डोज बढ़ाना होता है, D फॉर डोपामिन, O फॉर ऑक्सीटोसिन, S फॉर सेरोटोनिन, E फॉर एंडोर्फिन, ये चार बढ़ा लो, धरती का कोई कोरोना मरोना आगा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मतलब हंसते दो रहो मुस्कुराते रहो, डोज बढ़ाते जाओ। और सर मीनाक्षी का तो भी डोज अच्छा आप तो हमेशा हंसते रहते हो, आप तो हमेशा खुश रहते हो। है। राइट सर, मनी कहना चाहिए कोविड का आप कुछ समय आने मनीष आपकी आवाज कट रही है, लास्ट वाला पॉइंट मैं सुन नहीं पाया आपका। जी, मैं कह रही हूँ क्योंकि ये बाकी का तो भी डालने का चीज़ है कहना था। बिल्कुल कहना चाहूंगा क्या, कि लोगों को चाइना से पता है कोरोना आया, चाइना से आया, तो चाइना ने अपने लोगों का इलाज कैसे किया वो बता देता हूं मैं। चाइना ने अपने सारे लोगों का इलाज मुलट्ठी अदरक और काली मिर्च और लौंग से किया, ये रिसर्च पेपर है पूरा चाइना का, कि चीन का कोरोना पर काबू बने का रहस्य मुलट्ठी में, तो मुलट्ठी, काली मिर्च, अदरक, इलायची, इनसे कोरोना का इलाज किया चाइना ने। और सेम हमारे भारत में जोधपुर यूनिवर्सिटी ने जून 2020 में रिसर्च पेपर छाप दिया था कि 2200 साल पुरानी औषधियों ने चाइना के वायरस को हराया, तो मैं हैरान हूं कि आज तक इसको भारत में अप्लाई क्यों नहीं करा गया, ये जोधपुर यूनिवर्सिटी ने बोला था। तो मेरे हिसाब से स्क्रीन पर ना ये जो न्यूज़पेपर्स हैं ये थोड़े से शायद उल्टे दिखे हैं, कुछ पेपर उल्टे दिखे ना, रिवर्स दिखे हैं, समझ में आ तो मैं क्या करता हूं, आपके आपके फेसबुक पेज पे नीचे सब पेपर्स टैग करवा देता हूं मैं, राइट राइट मतलब नीचे कमेंट में ये सारे प्रूफ प्रिंट आउट कर देता हूँ और डाई चार्ट में आपको भेज देता हूँ, तो आप सुपर अपने फेसबुक यूट्यूब पे डाल देना। एब्सोल्युटली 100% मनीष जी, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना इतना स्पेशल टाइम देके आपने अपने टाइम में से उस बंदी को तो ब्रेन दे उसको ठीक उस टाइम